रस्ते तुम दिखाऊंगा बहादुरगढ़ तो कितों रास्ता मिलता है। अजे टाइम अपना होया है जी 10:30 बजे, मतलब 10:30 का टाइम होया तो धुंध टिकनी शुरू भी हो चुकी है। तो मैं हूँ इस टाइम जा रहा दिल्ली, तो बाकी मैं आपकी शक्ल तो सूँ सवेरे ही दिखा सकता क्योंकि इस टाइम तो नेरा बहुत है। दिल्ली के जाके मिलते हैं फिर। सो तुम कहोगे भाई सवेरे सवेरे कितने आ गया? मैं है इस टाइम जी न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन से। रात में एकदम फोन आया बड़ा भज नट के 10 बजे चलिया, तो हूँ पहुँचा जाके। रस्ते तुम दिखाऊंगा बहादुरगढ़ तो कितों रस्ता मिलता है। तो क्या बात है यार, न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन बड़ा सोहना बनाया पाया। मैं पहली बार वेख्या अगे कभी नहीं, मैं इतने आएगा बार पहाड़गंज है इधरले बहरले पास लैफ्ट साइड से पहाड़गंज है। पार्किंग इतने बंद की हुई है। सवेर के 6:39:40 हो गए, बस चलते हैं आपां। बस हुण नाजमगढ़ अपना अपना राइट लैके तो फिर लैफ्ट लैके उ बहादुरगढ़ चले जाते थे, पर हूँ आप ढांसे में जाना मतलब लैफ्ट, क्योंकि इधरले पास किसान अंदोलन ने बंद किया हो रस्ता। आप हूँ इधर न जाना इस साइड, हूँ अगे जाके ये है बादली वाला रोड वैसे तो, पर बादली तो विचाले ही सड़क मुड़ती है उसे बहादुरगढ़ बाईपास चढ़ जाती है। तो मैं तुम दिखा वो कि रोड है इतों आप लेना राइट। किसानों ने टेंट लाए हुए है जी इस रोड पे, ते इधर भी टेंट लाए हुए इधर बजुर्ग साढ़े जा रहे हैं। भगवान के बाद कोई विदाता है तो वो है किसान। वाओ वो बैठे साढ़े वीर, ये है ये ऊपर देखो। आप 43.5 किलोमीटर तो शुरू किया 43.5, हूँ मैं तुम दसदा भी कि लम्मा जाम है ट्रालिया का, ये पक्का ही फिक्स कर दी ट्राली। 43.5 तो शुरू किया, हरेक ट्राली मतलब आपका लंगर पानी लेके आई है, तो बनाई जाता सारा सिस्टम आपका, सवेरे सवेरे सारा प्रोग्राम बहुत लम्मा प्रोग्राम चली जाता यार। मैं तुम दसदा 43.5 मैं शुरू होया, हजे टिकरी बॉर्डर पता नहीं पिछे किन्ना का है, तो बहुत लम्मा जाम मतलब जाम कह सकते भी ट्रालिया का कट्ठ बहुत ज़्यादा है। बैठे किसान वीर सारे, रेड क्रॉस मुफ्त दवाइया वास्ते भी इतने बैनर लाया हुआ भी दवाइया चाहिए। भारतीय किसान यूनियन हरियाणे के बंदे भी मतलब मिक्स सारे हुए हुए, चलो दिल्ली चलो। वाह क्या बात है यार, किसान को तो जहाँ मर्जी बिठा दो, ये देखो ये है हमारा किसान। ये हमारा किसान है, ये देखो। ट्राली और आ रही है मतलब परसोला ये जुराना के पास से किसान आ रहे हैं, और लेडीज भी बैठी हैं इधर। उग्राहा जिंदाबाद नौजवान मानसे को लकड़ी भी लेके आ गए भाई, सब कुछ लेके। ले
इनको टाइम लगेगा, ट्रैक्टर तो जहाँ मर्जी से निकाल दो। क्या बैनर करेंगे, क्या बैरियर करेंगे। अपना है जी 7 किलोमीटर का, 7 किलोमीटर का तो हो गया जितो मैं बढ़िया है। अजे पिछे होर 10 किलोमीटर होर ला लो, मतलब 15-17 किलोमीटर का पूरा ट्रालिया ना भरिया कट्ठ पूरा है नज़ारा पूरा। तो जोश तुम देख सकते हो किसान कि ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मैं इतों कर दिना क्योंकि मैनू टाइम ही लगे कि ब्लॉग की स्टार्ट कर दीए। तो सारे प्यार भरी सत श्री अकाल जी, उम्मीद करता तुम सारे बहुत वधिया होवोगे। दिल्ली का ट्रिप तुसी देख रहे हो, किसानों का कट्ठ किन्ना होया पिया, 17 किलोमीटर का पूरा जिहड़ा कट्ठ सीगा ट्रैक्टर ट्रालिया नाल पूरा लाइन लगी। हुण भी मेरे पिछे ना ट्रैक्टर ट्रालिया लंघी जांदियां, हजे भी जाई जांदियां, इस जिन्ना भी समान चाहिए वह लैके जाते पे, जिन्ना भी समान चाहिए वह लैके जाते पे गया, सौदा पत्ता सब्जियां सुब्जियां। देखो किन्ना चिर चलता काम यह, तो देखा कितनी लंबी लाइन लगिया हुई ना। तो दिल्ली में एंटर तो कर सकते हैं पर उत्थे थोड़ा ट्रैफिक होंगे, जाम लगता उत्थे, तो वो थोड़ा तो आपका टाइम एक्स्ट्रा लेके चलना घंटा डेढ़ घंटा भी जाम ना लग जाए है ना। कुछ ट्रैक्टर वापस आई जाते हैं तो कुछ जाई जाते हैं, बहुत गड्डिया जाई जा। चलो इतों प्रशादा पानी छक लिया, फ्रैश हो गए हैं, बिल्कुल रेडी हो गए हैं, हुण चलते हैं अगले ढाबे ते जो है टॉप फैमिली ढाबा, उत्थे रुक के तो फिर घर में जावांगे। अज का व्लॉग मैं टॉप फैमिली ढाबे से खत्म करूँगा जाके, क्योंकि टाइट बहुत हो जाऊँगा तो उस तो बाद मेरे को इन्नी पावर नहीं रह जूगी कि मैं थोड़े होर गल कर सकता। तो इस करके मैनू इतने माफ़ी दो। तो थोनू ये वीडियो किवें लगती है मैं कमेंट सैक्शन जरूर दस्या करो, हौसला अफजाई हो जाती है यार। सो पहुँच चुके हैं जी टॉप फैमिली ढाबे ते, मेरे पिछे हैगी नीली नीली नहर, बड़ा वधिया माहौल है इतों का। एक गल दसा तुम कभी भी इतने आओ ना यार, मैं ये प्रमोशन नहीं करता पाया इस ढाबे की, वाकई तुम इतों का खाना खा के देखो नज़ारा है यार नज़ारा। आ वीडियो जी तुम वेखी आने ना, मैं थोड़े दिन पहले रोटी खाधी सी, आ वीडियो के जी आलू मटर गाजर की सब्जी मंगाई सी, क्या बात ही यार, मतलब दाल सी अचार दे, मतलब तुम कभी भी आओ कभी ट्राई करके जा। टॉप फैमिली ढाबा फतेहाबाद तो 10 किलोमीटर ना इधरली साइड नहर के कंडे जिधर मैं खड़ा ना, इस नहर के कंडे दे ढाबा हैगा, कभी भी ट्राई करके देखो यार। पता कि रोटियां असीं वाधू खाधियां ढाबे दी, सानू पता मैदा हरेक मैं रोटी दे विच ना मैदा जरूर हुंदा, पर इस ढाबे की रोटी जब कभी मैदा नहीं होगा है ना, तुम मैदा नहीं यूज़ करते। तो अज का ब्लॉग फिर इतें ही बंद कर दें क्योंकि मैं थकिया बहुत पिया, मैं रुकना नहीं चाहता सीगा पर जान के रुकिया इतने, तो चाह पीने चाह पी के तो फिर इतों रवानी पाने, तो फिर मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग के, मेरे नाल जुड़न लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, रब राखा।